मैं हूँ योशु मायापुरी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मूवी तख्त की स्टार कास्ट आई सामने। करण जौहर इज ऑल सेट अपनी अगली मूवी तक डायरेक्ट करने के लिए। इस मूवी की स्टार कास्ट का कॉम्बिनेशन कुछ अलग है। इस मूवी में रणवीर सिंह, करीना कपूर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल, जानवी कपूर, भूमि पेडनेकर और अनिल कपूर नजर आएंगे। फैंस इन सारे सितारों को एक साथ एक ही स्क्रीन पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। फिल्म मुगल एरा पर बेस्ड है। रणवीर शाहजहां का रोल निभाएंगे। विक्की को उनके छोटे भाई औरंगजेब का रोल प्ले करते देखा जाएगा। इट इज रिपोर्टेड दैट ये मूवी 2021 में रिलीज होगी। दिलजीत दोसांझ की अगली मूवी की शूटिंग हुई शुरू। कुछ समय पहले अभिषेक शर्मा की मूवी सूरज पे मंगल भारी की स्टारकास्ट सामने आई थी। ये एक लाइट हार्टेड कॉमेडी मूवी है जिसमें फातिमा सना शेख, दिलजीत दोसांझ और मनोज वाजपेयी नजर आएंगे। इस मूवी की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही मनोज वाजपेयी ने क्लैप बोर्ड की पिक अपनी सोशल मीडिया पर शेयर की। ये मूवी 1990s पर सेट है, जब मोबाइल फोन्स नहीं थे, और वही इस मूवी का एसेंस कहलाया जाएगा। ये मूवी इस साल के आखिरी में रिलीज होगी। मूवी मलंग का ट्रेलर हुआ आउट। इंटरेस्टिंग पोस्टर्स ड्रॉप करने के बाद अब मलंग के मेकर्स ने इस मच अवेटेड मूवी का ट्रेलर अनवील किया। डायरेक्टेड बाय मोहित सूरी और स्टारकास्ट में शामिल आदित्य रॉय कपूर, दिशा पाटनी, अनिल कपूर और कुणाल खेमू। इस 2 मिनट्स 45 सेकेंड्स के ट्रेलर ने इस मूवी की एसेंस शो करी। जहां आदित्य रॉय कपूर और दिशा की केमिस्ट्री दिखी, वही अनिल कपूर का इंटेंस लुक सामने आया। पूरे ट्रेलर में दिशा और आदित्य की केमिस्ट्री ने बाकी के ट्रेलर को ओवरशैडो कर दिया। ये मूवी 7 फेब को रिलीज होगी। सिद्धांत चतुर्वेदी को दीपिका पादुकोण के साथ रोमांस करने के लिए मिले डेथ थ्रेट्स। सिद्धांत चतुर्वेदी आजकल हेडलाइंस में बने हुए हैं अनन्या पांडे पे नेपोटिज्म में अपने सैवेज रिप्लाई को लेकर। सिद्धांत इज ऑल सेट अपना स्क्रीन स्पेस दीपिका पादुकोण के साथ शेयर करने के लिए। इसी के चलते सिद्धांत को दीपिका के साथ रोमांस करने के लिए डेथ थ्रेट्स भी मिल रहे हैं। सिद्धांत ने इन कमेंट्स में से एक कमेंट का रिप्लाई भी किया, ये कहते हुए कि ठीक है, क्या करूँ यार, एक बार कर लेंगे रोमांस, फिर खून कर देना तुम मेरा, उसके बाद मैं ऐसे ही मर जाऊंगा रोमांस करते करते उनको। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ को स्पॉट किया गया डिनर डेट पे। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ बी टाउन के नए कपल माने जाते हैं। दोनों के डेटिंग रूमर्स काफी टाइम से चल रहे हैं। दोनों काफी प्राइवेट है अपने रिलेशनशिप को लेकर, फिर भी दोनों को स्पॉट किया जा चुका है कई बार। इस कपल को एक कॉमन फ्रेंड के घर डिनर डेट पे स्पॉट किया गया। कैटरीना और विक्की को अपने फ्रेंड के रेजिडेंस के बाहर देखा गया। बात करें कैटरीना के काम की तो कैटरीना को नेक्स्ट सूर्यवंशी में देखा जाएगा, वही विक्की को भूत पार्ट 1 और तख्त में देखा जाएगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा के अगली फिल्म के डिटेल्स। मरजावा की सक्सेस के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा को नेक्स्ट एज एक्शन हीरो देखा जाएगा। इस एक्टर को भूषण कुमार, निखिल अडवाणी और मिलाप के साथ कोलैबोरेट करते फिर से देखा जाएगा एक फ्रेश मूवी के लिए। इस मूवी की डेवलपमेंट मरजावा से भी पहले शुरू हो चुकी थी। साथ ही इस मूवी की स्क्रिप्टिंग चल रही है। सिद्धार्थ ने अपने मूवी शेरशाह की शूटिंग हाल ही में खत्म की है। ये अनटाइटल्ड फिल्म साउथ फिल्म का रीमेक होगा। इस मूवी के एक प्रोड्यूसर दिल राजू भी है, जो शाहिद कपूर की मूवी जर्सी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। भूमि पेडनेकर की अपकमिंग मूवी शुभ मंगल ज्यादा सावधान। मीडिया के साथ इंटरेक्ट करने के बाद भूमि पेडनेकर ने बताया कि शुभ मंगल सावधान पे काम करते हुए उनको पता चल गया था कि जब ये मूवी का सीक्वल बनेगा तो वो जरूर इस मूवी में होंगी, और अब ये सच हो रहा है। हम अपकमिंग मूवी शुभ मंगल ज्यादा सावधान में आयुष्मान खुराना के साथ साथ भूमि पेडनेकर को भी देखेंगे। ये मूवी सेम सेक्स कपल के बारे में है। भूमि काफी खुश है इस सीक्वल का पार्ट होने पर। ये मूवी आनंद और भूषण कुमार साथ मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। आलिया भट्ट ने गंगूबाई के लिए सीखे कसवर्ड्स।
बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट, जिन्होंने गली बॉय में अपनी अमेजिंग परफॉर्मेंस देके सबको सरप्राइज कर दिया था, और इस साल भी वो ऑडियंस को अमेज करने वाली है एज वो संजय लीला बंसाली के साथ उनकी मूवी गंगूबाई में काम करेंगी। ये मूवी प्रोस्टिट्यूशन पर बेस्ड है, इसलिए आलिया को इस रोल के लिए अपने बोलने और चलने के स्टाइल में चेंज लाना पड़ा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आलिया को कस वर्ड्स मराठी और हिंदी में सीखने पड़े। ऐसा अवतार आलिया ने पहले कभी नहीं निभाया है। सब आलिया की इस परफॉर्मेंस के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। ये मूवी सितंबर में रिलीज होगी। दीपिका पादुकोण का फेमिना डिजिटल फीचर। दीपिका पादुकोण करंटली प्रमोशनल स्प्री में है अपनी अपकमिंग मूवी छपाक को लेकर। दीपिका ने इस मंथ फेमिना के डिजिटल कवर में फीचर किया एसिड अटैक विक्टिम लक्ष्मी अग्रवाल के साथ, जिस पर छपाक मूवी बनी है। ये डिजिटल कवर जनवरी मंथ के लिए है। दीपिका ने इस कवर को अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया और उसे कैप्शन किया ट्रूली अनस्टॉपेबल। डायरेक्टेड बाय मेघना गुलजार, मूवी छपाक 10 जनवरी को रिलीज होगी। लोपा मुद्रा का बिकिनी लुक आया सामने। एक्ट्रेस कम मॉडल लोपा मुद्रा रॉज सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। उनको आए दिन इंस्टाग्राम पर फोटोज पोस्ट करते देखा जाता है। इंस्टा पर उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है और अब उनकी फॉलोइंग 8,30,000 तक पहुंच चुकी है। लोपा अपने फैंस के साथ साथ अलग अलग आउटफिट्स में अपनी पिक्स शेयर करती दिखाई देती है। इन दिनों लोपा पहुंची है गोवा वेकेशन मनाने। इस वेकेशन को जमकर एंजॉय करती दिखाई दे रही है लोपा। लोपा ने डार्क ब्लू बिकिनी में अपने पिक्स भी शेयर किए। इन पिक्स में हम लोपा को सनसेट में बीच में पोस्ट करते देख सकते हैं, जिसमें वो काफी हॉट लग रही हैं। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए मायापुरी कट।